प्यारे बच्चों नमस्कार। हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इन कैलकुलेटर्स। अब इस ट्रांसेंडेंटल या अलजेब्रिक इक्वेशन को हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, इस लेक्चर में ये सीखने वाले। आंसर जब हमको अगर पता होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली रिजल्ट बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं। न्यूमेरिकल टेक्निक का ये प्रॉब्लम्स होता है। न्यूमेरिकल टेक्निक्स के जनरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्स, न्यूटर ऑप्शंस और भी मेथड्स हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स को ये नॉर्मल मेथड्स, जो दो तीन मेथड्स हैं, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम केएलसी में कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे उसी को इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो व्हाट इज द अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को केएलसी जो होता है कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो कैसे अंडरस्टूड करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स वगैरह हैं, को वेरिएबल को कैसे पुट करना, उसको भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं इस लेक्चर्स में। तो बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। देखिए, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में पहले डिफरेंस समझें स्टूडेंट। ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके अलजेब्रिक होते हैं। जैसे ऐसे कोई भी इक्वेशंस ले लीजिए जिसमें सिर्फ पॉलिनोमियल की कट हो, जैसे ये देखिए, ये पॉलिनोमियल्स है तो ये आपका क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ये पॉलिनोमियल्स है तो ये क्या है आपका, अलजेब्रिक। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है तो ये क्या है, अलजेब्रिक। और ये पॉलिनोमियल्स है तो अलजेब्रिक है, मतलब ये आपके क्या है, अलजेब्रिक वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इज अलजेब्रिक इक्वेशंस। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन इंक्लूड हो, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। सिंपल। तो देखिए, जैसे आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 5 to 10, देखिए इसमें यहाँ पे cos x है, दैट इज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। x e पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ भी वही है आपका, ट्रांसेंडेंटल है। cos x आ गया, log x आ गया, और log x टू द बेस, यहाँ पे जनरली आप कह सकते हो दिस इज द बेस e रखा है, ठीक है, दिस इज द। तो ये आपके क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, दैट इज द t वाला फॉर्मेट। आप समझ सकते हो कि कैसे ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब मेन फोकस हमारे पास क्या है, उसको समझना है कि एक्चुअल में हम क्वेश्चंस के पैटर्न को कैसे फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशंस वाले कंसेप्ट पे आएंगे, एक एक को फाइंड करने को हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। डिटेल्स में वीडियोज हैं, वीडियो यदि हेल्पफुल हो तो जरूर आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो कंप्यूटर आपका, जो एक्चुअल में जो आपका केएलसी हो, जो अंडरस्टूड करता है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो जो अंडरस्टूड करता है, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस फॉर्मेट को क्या करता है, वो आपका एग्जिस्ट करता है, किस वाले फॉर्मेट को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट का नहीं है तो इस फॉर्मेट का आपको बनाना पड़ेगा, मतलब और जो आप वैल्यू केएलसी में हम पुट करते हैं, वो कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, इनके कोफिशियंट को पुट करते हैं, मतलब गुणांकों को पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का क्या गुणांक है और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखना है तो इस तरह का फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट को आपका केएलसी एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहला कहानी। दूसरा जो आपका स्टेप होता है क्यूबिक, क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक इक्वेशंस में क्या होता है बेटा, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी इक्वल टू जीरो, दैट वैल्यू इज द जनरल फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। यदि अब इस फॉर्मेट का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो उस फॉर्मेट में जो भी टर्म्स अवेलेबल नहीं होगा, उस टर्म की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके वन सेकंड में देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर टर्म्स नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स को हम क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आइए इसे हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चंस लिखा है, इसको हम केएलसी में कैसे पुट करना है और इसको आंसर सॉल्व करना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो बेटा सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। अब आप जैसे केएलसी में आएंगे तो देखिए बेसिक फंडामेंटल है, आपको पहले केएलसी को क्या करना है, सिंपल सा ये ऑन हो जाएगा आपको। सबसे पहले केएलसी में आपको क्या करना है, इसको क्लियर करना है, तो शिफ्ट बटन यहाँ पे दिख रहा है, शिफ्ट को प्रेस करना है, सिंपल। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है,
देखिए शिफ्ट के बाद ये मोड वाला है बटन है, तो मोड पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लियर मोड में आ गया, थ्री जो है ऑल क्लियर कर रहा है आपको, तो ऑल क्लियर पे क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे थ्री बटन को प्रेस करना है और फिर इक्वल वाला, जो इक्वल वाला है इसको क्लिक कर देना है, तो ऑल क्लियर हो जाएगा। अब जो वर्कआउट करना है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब आपको जनरली करना है क्या, इस पर फोकस करिए आप। देखिए हमको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन कौन सा लिखना है, वो भी पहला वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को राइट करना है। तो इसके अब कंसेप्ट को समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको राइट करना है, तो हम इसके कंसेप्ट को समझ करके कैसे कर सकते हैं। तो पहले जाएंगे आप मोड में, देखिए यहाँ पे क्या है आपका मोड वाला जो बटन है, ये मोड है, इस मोड को क्लिक करना है। और देखिए अब इक्वेशंस कितनी बार में आपका आता है जनरली, इसको आपको मोड वाले बटन्स को सिंपली पुट करना है। और देखिए सिंपल जो आपका वर्कआउट्स होगा, मोड को जैसे आप क्लिक करोगे, तो देखिए मोड को एक बार किया, फिर प्रेस करेंगे, फिर देखिए ये प्रेस करेंगे तो इक्वेशन आ गया। इक्वेशंस के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, तो वन आपको क्या करना है यहाँ पे प्रेस करना है। अब अननोन डिग्री वैल्यूज पे नहीं जाना है, अननोन पे नहीं जाना है, हमको डिग्री पे जाना है, क्योंकि हमको डिग्री क्वाड्रेटिक की क्या है, दो। तो फिर से मोड को दबाएंगे, देखिए डिग्री आ गया, दो या तीन, दो अभी हम दो के लिए रखें, तो दो दो के लिए हमारा क्या, दो बटन यहाँ दबा देंगे तो डिग्री टू होगी। अब जो वैल्यूज देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, ए मांग रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो उसमें एक्स की जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है, वन है, तो वन लिख लिया। फिर आएंगे अब इक्वल साइन, देखिए यहाँ पे इक्वल है, इसको प्रेस करेंगे, तो अब अगली वैल्यूज को पूछेगा आपसे, अगली वैल्यू जैसे पूछ रहा है यहाँ पे आ गया बी। अब देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस फाइव है, तो यहाँ माइनस दबाया और ये फाइव लिख देंगे। फिर से इक्वल दबाएंगे, देखिए इक्वल्स हो गया। अब आपको कांस्टेंट वाला जो टर्म है, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस सिक्स है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ प्लस हो गया और ये सिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वल वाला बटन प्रेस कर देना, तो देखिए आंसर एक आ गया, एक थ्री आ जाएगा, एक और आंसर आएगा, जस्ट इसको और करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एंड टू। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया थ्री एंड टू आ जाएगा, इज द बेसिक कंसेप्ट। इस वाला जो पॉइंट आउट है, इसका आंसर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, थ्री टू, और नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे तो थ्री टू ही आएगा, ओके। अब आपको फिर से क्या करना है, इस वाले पार्ट को जाना है, यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए, या यहाँ से टोटल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, सिंपल ये आपका मोड हो गया। आपको क्लियर कर लेना है, हर बार आप क्लियर करिए, जिससे कि आप एक बेटर रिजल्ट, शिफ्ट के साथ जाएंगे, फिर आपको ये मोड वाला बटन दबाना, देखिए ऑल आ गया, या आप जो माइक है मोड वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल ये जैसे आपके थ्री कर दिए और यहाँ पे इक्वल कर दिया, तो ऑल क्लियर रिसेट हो गया, सिंपल हर बार आप जनरली करेंगे तो बेटर रहेगा। अब तीसरे में देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, बट जो एक्सेप्ट करता है वो इस फॉर्मेट का एक्सेप्ट करता है, समझ में आ रही बात आपको, ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सेप्ट कैसे करेगा, इस फॉर्मेट में करेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाला फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल अब इसको हमको चेंज लिखना पड़ेगा, कैसे, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, सॉरी एक्स क्यू प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन फिर इक्वल टू जीरो, अब जाकर के इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब बेटा क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप जाएंगे मोड में, जाएंगे मोड में, अब हमको इक्वेशन को ढूंढना है, तो इक्वेशन वाला चैप्टर देख कहाँ पे आ रहा है, देखिए दो तीन बार दबाएंगे तो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन के लिए क्या यूज करना है, वन यूज करना है, सिंपल वन कर दिए। अब हमको डिग्री थ्री चाहिए, अननोन वेरिएबल्स में जाएंगे, तो फिर से मोड वाले बटन को दबाएंगे, तो देखिए मोड वाले में हमको डिग्री थ्री चाहिए, तो अब यहाँ से थ्री को सेलेक्ट कर। अब आपसे ए बी सी की तीन वैल्यू पूछेगा, ए बी सी डी चार वैल्यूज आपसे पूछने वाला, तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना है, वन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वन को प्रेस करना है। अब फिर से इक्वल सिंबल चले जाइए, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जीरो, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हम लिखेंगे यहाँ पर जीरो, सिंपल हो गया। फिर से इक्वल आएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस फाइव, तो सिंपली यहाँ पे ये देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइव लिख दें। फिर से इक्वल करेंगे तो अब आ जाएगा माइनस वन, तो सिंपली यहाँ पे माइनस है और फिर ये वन कर लें और फिर इक्वल बटन दबा देंगे। तो देखिए जनरली आपसे थ्री वैल्यूज आपको देगा, थ्री वैल्यूज, ठीक है, थ्री वैल्यू मिल गई, एक फर्स्ट वैल्यू मिल गई, फिर आप ऐसे करेंगे तो सेकंड वैल्यू मिला और फिर ये थर्ड वैल्यूज मिलेगी, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, थ्री वैल्यूज मिली है। तो अब देखिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स में क्या होता है बेटा, जनरली हमको क्या करना होता है, एक पॉजिटिव रियल रूट्स को फाइंड आउट करना होता है, किसको फाइंड करता है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज, रियल रूट्स, तो रियल रूट को फाइंड करना होता है, जिसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू को कंसिडर कर। वर्कआउट्स खत्म हो गया आपका, ये थिंक एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के थ्रू हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप सेम पैटर्न पे फॉलो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले पैटर्न में, इस वाले में अब एक्स भी नहीं है और एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? आप एक्स क्यू लिखेंगे, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जीरो एक्स लिखेंगे, फिर माइनस 18 लिखेंगे और इक्वल टू जीरो। दैट इज द क्यूबिक रूट है। तो फिर से अब यहाँ पे हमको जैसे ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको पहले क्लियर कर लीजिए, शिफ्ट के साथ चले जाइए, फिर मोड वाला बटन दबाइए, थ्री आपको करना है, थ्री यहाँ से मिलेगा आपको, और फिर इक्वल टू, क्लियर कंसेप्ट हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे आइए, अब देखिए यहाँ से ऑन हो गया। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन पे जाना था, इक्वेशंस के लिए आपको क्या प्रेस करना है, मोड को प्रेस करना है, मोड कर दिया। अब मोड फिर से दबाएंगे और फिर से दबाएंगे, देखिए इक्वेशंस आ गया, इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन के लिए फिर से वन यूज करना है। अब अननोन वेरिएबल्स के जाना है, तो अननोन वेरिएबल हमको नहीं चाहिए, हमको अननोन वेरिएबल जनरली यूज करते हैं जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, तब डिग्री चाहिए, तो डिग्री कितनी चाहिए, थ्री चाहिए, तो थ्री के लिए थ्री बटन दबा दिए। अब एक्स क्यूब लिखना है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट देखिए आ गया, एक्स क्यूब का कोफिशियंट कितना है, वन है यहाँ पे, तो बेटा वन लिख देंगे। इक्वल टू में जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, जीरो है, तो जीरो लिख दे, फिर से इक्वल टू प्रेस कर देंगे, और फिर एक्स का कोफिशियंट कितना है, जीरो है, तो फिर से आप क्या करेंगे, जीरो प्रेस करेंगे, और फिर माइनस 18 चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो माइनस, और यहाँ से फिर आपका ये बटन हो गया 18, और फिर इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, देन वी गेट द रिजल्ट। देखिए 2.62 समथिंग जीरो आ गया रिजल्ट, और इसी तरह से जो वैल्यूज है 2.62074, या फिर ये वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू देखिए कौन सा है, तीन वैल्यूज मिलेगी, माइनस वन पॉइंट समथिंग और फिर वन पॉइंट समथिंग, जो तीन वैल्यूज हमको मिलेगी। तो जनरली जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी 2.62074, इसकी जो क्यूबिक रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2.6204, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। तो दैट इज़ द टेक्निक्स। तो आई थिंक ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमको जब इस तरह के क्वेश्चंस को राइटअप करना है तो कैसे करना है। आई थिंक ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी को अगर हमको कैलसी में सॉल्व करना है बेटा तो कैसे करते हैं। अब बारी आती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की, जिनको कि हमको कैलसी में पुट करना है। अब फंडामेंटल इसको समझना है, आपकी कैलसी में ध्यान रखिएगा दो तरह के बटन्स हैं। देखिए कलर कैलसी में दो तरह के वर्कआउट्स यहाँ पे दिए हैं, एक अल्फा पिंक कलर का है और एक येलो कलर का है। और नॉर्मली इस बटन के इन सभी बटन्स के ऊपर भी देखिए एक पिंक और वाइट है और फिर आपका येलो कलर से दिया हुआ है। तो ये जो बटन है, बटन के राइट साइड में, इस साइड में जो वैल्यूज अगर आपको निकालनी है कैलसी में पुट करनी है, तो उसको हम अल्फा सिंबल के साथ यूज करेंगे। पहले अल्फा बटन को प्रेस करेंगे, फिर जो भी वैल्यूज राइट अप करनी है उस वैल्यू को राइट करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट वाली में जो वैल्यूज होगी, लेफ्ट में जो वैल्यूज है उसको अगर पुट करनी है तो हमको क्या करना है, शिफ्ट वाले सिंबल का यूज करना है। दूसरा, इक्वल के लिए हम कभी भी इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, जब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होगा तो इक्वल के लिए इस सिंबल का कभी भी यूज आपको नहीं करना है। इस सिंबल का यूज करना है, देखिए यहाँ पर शिफ्ट के ऊपर जस्ट सॉल्व लिखा हुआ है, तो शिफ्ट और सॉल्व बटन दबाएंगे तो ये इक्वल वाला सिंबल है, यहाँ पर इस साइन का यूज करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कैसे राइट अप करना है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को सबको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, फिर आपको क्या जाना है, मोड पे जाना है और ऑल क्लियर कर लेना है थ्री पर, ये थ्री बटन से इसको प्रेस कर देंगे और इक्वल टू यूज कर लेंगे तो ऑल क्लियर हो गया, रीसेट हो गया, ऑन यहाँ से सिंपल खत्म। अब आपको जैसे पहला फाइव वाले में क्या लिखना है, एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना है, एक्स माइनस क्या लिखना है, कॉस एक्स लिखना है। अब हमको x चाहिए इस वाले टोटल कंसेप्ट में, हमको क्या चाहिए, x चाहिए बेटा। तो देखो x कहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर है, लेकिन कैसे है, पिंक से है, तो अल्फा वेरिएबल्स के थ्रू लिखना है। तो पहले ये अल्फा को प्रेस करना है, अल्फा प्रेस कर दिए और यहाँ पे a बन के आ गया ऊपर, देखिए लिए ध्यान से, और फिर इस x को लिखना है, ओके x आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमको माइनस चाहिए तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है, माइनस सिंबल है। अब देखिए कॉस लिखना है, कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमको रेडियन में लिखनी होगी, क्योंकि नॉर्मली वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो डिग्री में कंसिडर करेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 हम लिखना है तो वो रेडियन में कंसिडर करेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, बेसिक याद रखना है, मोड में जाएंगे, मोड देखिए यहाँ पे मोड 1, 2, 3, 4 बार प्रेस करेंगे तो आर ए डी का सिंबल आएगा, रेडियन, और आर ए डी किसके लिए यूज होता है, दो नंबर्स के लिए है, तो दो नंबर यहाँ दबा दिया। अब आपको कॉस सिंबल यहाँ दिख रहा है, अब कॉस के बाद एक्स लिखना है, तो कॉस के बाद एक्स लिखना है, तो कॉस एक्स लिखना है मतलब एक्स किसके साथ आता है,
अल्फा को जब प्रेस करते हैं तो एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा को प्रेस करेंगे और फिर एक्स के ऊपर चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो है, इक्वल लगाना है, तो इक्वल कहाँ से लगता है, ये इक्वल लगाएंगे तो एरर दिखा देगा, सेंटेक्स एरर दिखा देगा, ये आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्फा प्रेस करना है, ये देखिए के सी ए एल सी कैलकुलेटर है, सॉल्व के बगल में लिखा है, तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है, जीरो लिखना है, जीरो लिख दिया। अब आपको आंसर चाहिए बेटा, तो आंसर चाहिए, जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ सॉल्व वाला लिखा है तो शिफ्ट और फिर सॉल्व, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क्स आ गया, एक बार और फिर प्रेस, जैसे ही क्वेश्चन मार्क्स आएगा इसको हम क्या करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, शिफ्ट और फिर ये, तो शिफ्ट और फिर ये प्रेस कर देंगे। देखिए आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, देन वी गेट द आंसर। देखिए 7.07390, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास 0.73। अब जब बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी या न्यूटन रैप्शन मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि हमको इसी के आसपास आपको यही आंसर आपको लाना है। बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या लाना है, यही लाना है। ये इससे फ़ायदा ये है कि हमको आंसर पता होता है, आंसर के पास हम कैसे पहुँचेंगे वो आप मेथड पर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इस पर ऑलरेडीज हम वीडियो बना चुके हैं तो आप उनको देख सकते हो। आइए अब 6 नंबर पर हम बात करते हैं, जो हमारे पास 6 नंबर है, 5 नंबर डन हो गया, 6 नंबर। अब देखिए एक्सपोनेंशियल को लिखना है, तो सबसे पहले वैल्यूज आपको क्या करनी है, टोटल रिसेट कर देनी है, सिंपल। तो यहाँ पे आप रिसेट हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या करना, मोड शिफ्ट दबा लीजिए, फिर मोड पे जाइए, क्योंकि बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम अपनी हेल्प के लिए कर ले रहा हूँ कि पुरानी वैल्यूज ना ले, कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता। अब देखिए इन सब में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वेरिएबल्स लिखना है। तो वेरिएबल एक्स चाहिए, तो वेरिएबल किसके साथ लिखते हैं हम, अल्फा के साथ लिखते हैं। तो अल्फा के साथ हमको क्या करना है, अल्फा लिखा और वेरिएबल देखिए यहाँ पे एक्स है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल चाहिए, देखिए एक्सपोनेंशियल सिंबल कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, लॉग के एल एन के ऊपर जो सिंबल है, लेकिन लेफ्ट में है, लेफ्ट में है और येलो कलर से है। तो सिंपल सा लेफ्ट वाला हमने बताया वो कैसे वैल्यू आती है, शिफ्ट के साथ आती है। तो पहले आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर ई को इसको प्रेस करना। तो देखिए जैसे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा ई के पावर, अब एक्स चाहिए फिर से ई के पावर लिखना है, एक्स ई के पावर एक्स है ना, तो एक्स चाहिए, तो फिर अल्फा प्रेस करेंगे, अल्फा के साथ फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स, देखिए आ गया एक्स ई के पावर एक्स। अब माइनस टू, तो यहाँ पे देखिए सिंबल ये माइनस है और यहाँ पे टू लिख दिया, ठीक है। और फिर इक्वल टू चाहिए, अब इक्वल चाहिए, इस इक्वल को नहीं लिखना है, अगर इस इक्वल को आपने गलती से भी प्रेस कर दिया तो आपको एरर मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हम फिर क्या जाएंगे, अल्फा और यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, ठीक है। और फिर अब इक्वल टू क्या रखना है, जीरो, यहाँ पे जीरो रख देंगे। फिर आपको आंसर चाहिए, तो शिफ्ट और फिर सॉल्व वाला बटन, तो इसको प्रेस कर देंगे। अब एक्स के साथ क्वेश्चन मार्क्स आ गया, अब फिर से क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ कैलकुलेट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। एक्स ई पावर एक्स देखिए कितना आ गया, 0.8526। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिंपली 0.8526। इतना ही आपको आंसर लाना पड़ेगा, 4 डेसिमल तक वर्क तो करना ही पड़ता है, 4 डेसिमल तक हमको जनरली वर्क करना पड़ता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं, 7 नंबर जो है, 7 नंबर्स को अब हम कैसे पुट आउट करेंगे, ये इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए फिर से वही तरीका है, फिर से आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए, ख़त्म करिए सिंपल, आप ये वैल्यूज टोटल क्लियर हो जाएगी। अब मैं अभी बार बार कर ले रहा हूँ, लेकिन आप करिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ तो इसमें कोई एरर ना हो, इसलिए मैं टोटल रीसेट कर ले रहा हूँ हर बार, बट हर बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्स ई के पावर एक्स माइनस कैस, तो कॉस एक्स लिखना है। तो पहले एक्स को लाना है, तो एक्स के लिए हमको पहले बार यूज कर लिया, अल्फ़ा यूज करना है, अल्फ़ा को प्रेस करेंगे, फिर एक्स यहाँ पर है, इसको पुट कर देंगे, सिंपली हो गया। अब आपको चाहिए एक्स मिल गया, अब ई के पावर एक्स चाहिए, तो ई पावर एक्स एल एन के ऊपर है, तो सिंपली यहाँ पर शिफ्ट को यूज करना है, शिफ्ट बताया एल एन के ऊपर, ई पावर एक्स हो गया, ई आया और ऊपर पावर वाला, बट एक्स नहीं आया है, तो एक्स नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, फिर से अल्फ़ा और फिर यहाँ पे एक्स हो जाएगा, पावर एक्स हो गया, माइनस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हमको कॉस लिखना है, बट कॉस जैसे वेल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखते हैं तो उसको हमको रेडियन में लिखना होता है, तो रेडियन में लिखना है, तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, मोड में जाएंगे और मोड में जाएंगे और रेडियन वाले को ढूंढेंगे। देखिए रेडियन आ गया, रेडियन के लिए कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है, दो नंबर, दो दबा दिया। अब आपको लिखना है कॉस, ठीक है, और फिर उसकी एक्स चाहिए, तो फिर से अल्फ़ा
और फिर एक्स यहाँ पर। अब क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है, तो इक्वल टू कहाँ से आएगा बेटा, अल्फा और ये बटन दबाएंगे तो आपका इक्वल टू आ गया। और फिर जीरो लिखना है इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरली जीरो लगा दिया, ठीक है। और फिर अब आप देख लीजिए शिफ्ट के साथ क्या हमको चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स आ गया। और फिर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ देखिए फिर से दोबारा दबा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। अगर कोई मिसिंग हो जाए तो आप उसको चेक कर सकते हैं, 0.5177, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया 0.5177, ये आपका आंसर आ गया इस वाले 7 नंबर्स का। बाय डिफ़ॉल्ट यदि मान लीजिए वैल्यूज़ को पुट करने में कोई मिस्टेक्स हो जाए तो आप उसको अपने लेवल से करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूज़ हम कर रहे हैं वन बाय वन और सभी, कोई आंसर मुझे पता नहीं है, बट आप अपने लेवल से आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड हैं, उनमें शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का कंसेप्ट ये है कि आप वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना सीख रहे हो, हम इस पर फोकस करते हैं। आइए 8 नंबर्स पे बात करते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है, 3x-cos x-1=0। तो देखिए अब बेसिक फंडामेंटल है, पहले इसको आपको क्या करना है, सिंपल जीरो कर लेना है, जीरो हो गया, ठीक है। अब कोई भी वैल्यूज़ हमको लिखना है कि 3x-cos x, तो पहले एक्स चाहिए तो थ्री पहले हो गया, अब उसके बाद एक्स चाहिए तो अल्फ़ा के साथ हम एक्स को आएंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, 3x लिख लिया। माइनस हमको चाहिए, माइनस यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, कॉस एक्स, कॉस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉस लिख लिया। अब बट वैल्यू जब लिखेंगे तो वो रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में चाहिए तो पहले आपको मोड पे जाना पड़ेगा, तो मोड पे देखिए, मोड के लिए दो यूज किया, दो यूज कर लेंगे और फिर एक्स लिखेंगे, फिर अल्फ़ा के साथ जाएंगे और फिर यहाँ पे एक्स के साथ आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब फिर माइनस वन चाहिए तो यहाँ पे देखिए माइनस वन सिंबल है, ये माइनस वन हो गया यहाँ से, बट इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू जाइए तो इक्वल टू देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा और फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप ज़ीरो। अब आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन, तो देखिए शिफ्ट और फिर सॉल्व, ठीक है। देखिए अब एक्चुअल में क्या हुआ, प्रॉब्लम देखिए समझिए, इसलिए मैंने इसको लिखा, तो मैंने क्लियर नहीं किया था, जब क्लियर नहीं किया था तो ये क्या जो पुराना वाला है ये अब ले ले रहा है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं, 9951 MS जो है, तो इसमें क्या क्या आपका ओल्ड वाला आंसर ले लिया। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, इसको क्लियर करना है, तो क्लियर किए बिना कुछ नहीं करेंगे जनरली। तो देखिए जनरल क्लियर, यहाँ पे शिफ्ट के साथ जाना है, मोड में जाना है और थ्री को प्रेस करना है और फिर इक्वल टू कर देना है, ऑल रिसेट हो गया। अब आप यहाँ से काम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, तो पहले थ्री, फिर अल्फा, फिर एक्स, ठीक है, फिर माइनस, ओके, फिर कॉस चाहिए, देखिए कॉस यहाँ से प्रेस कर दिया, बट अब वैल्यू जो होगी पुट करनी है रेडियन में, तो रेडियन हमको मिलता है मोड वाले बटन से, तो मोड वाले बटन से यहाँ से रेडियन मिलेगा, दो दबाया, फिर अल्फ़ा, फिर आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, फिर माइनस, फिर वन चाहिए, ठीक है, और इक्वल टू सिंबल लगाना है, अल्फ़ा के साथ इक्वल टू जाएंगे और फिर से यहाँ पे ज़ीरो। अब शिफ्ट के साथ KLC, तो देखिए एक्स के साथ क्वेश्चन मार्क्स आ गया, अब शिफ्ट फिर KLC, अब जो भी आ जाएगा वे आंसर हो जाएगा। तो दिस अ बेसिक कंसेप्ट, देखिए क्या आ गया आपका 0.6071, सिंपल दैट इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो क्या हो जाएगा 0.6071, ये एक बेसिक फंडामेंटल है इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या आंसर मिल रहा है, 0.6071, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 6071, तो 3x-cos x-1 का। अब यहाँ पर जो 9 और 10 है, देखिए 9 एंड 10 में दो वैल्यू ली है, एक लॉग बेस 10 लिया है और लॉग बेस e लिया हुआ है, इसको समझना है। लॉगरिथम जो है इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास मैं यहाँ करूँगा। जब लॉग बेस 10 है तो हमेशा देखिए क्वेश्चन में आपके यहाँ KLC में एक लॉग का सिंबल है, लॉग का सिंबल है, तो इस लॉग वाले सिंबल को जब कभी भी बेस 10 लिखा होगा तो लॉग वाले को यूज करेंगे, बट लॉग प्रेस कर देंगे तो वो मान लिया जाएगा कि बेस उसका क्या है, 10 है। लेकिन जब कभी भी बेस ई है, ई 20 है, तो ए बेस है, तो इस ln वाले को यूज करना है, कि यदि आप बेस ई है तो जब ln आपको प्रेस करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो लॉग एक्स टू द बेस ई का यूज किया गया वहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ जाइएगा कि जब बेस 10 होगा तो हमको क्या यूज करना है, लॉग 10 को यूज करना है यहाँ पे जो लॉग वाला है, और जब लॉग बेस ई अगर लिखा हो तो ln को यूज करना है। तो आइए, तो सबसे पहला काम हमारा यही है, रिसेट करने वाला,
थ्री कर दिया, इक्वल कर दिया, रिसेट कर दिया, सब खत्म। ठीक है, रिसेट हो गया। अब आते हैं एक्स लॉग। तो देखिए एक्स हमको चाहिए पहले शिफ्ट के साथ, बेटा फिर एक्स चाहिए लॉग। अब देखिए लॉग एक्स है तो सिंपल हम यहाँ पे लॉग वाला सिंबल यूज करेंगे, दैट इज द लॉग। अब एक्स चाहिए चूंकि बेस 10 है, अब एक्स लिखे अल्फा, फिर हमको एक्स हो गया, आ गया खत्म। और माइनस यहाँ पे फिर 1, फिर यहाँ पे ये पॉइंट और फिर 2। अब इक्वल टू सिंबल फिर से यहाँ पे शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ फिर यहाँ पे इक्वल वाला सिंबल, और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ सॉल्व, और फिर शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क्स आ गया, और फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, आंसर आएगा थोड़ा सा लेट आएगा, बट वी गेट द आंसर्स। ठीक है, 2.7406 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो है 2.7406, ये आपका इस पार्ट का आंसर है। इस वाले जब क्वेश्चंस को हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, 2.7406। ठीक है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट है, एक वन बाई वन करके। दूसरा, वन पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए वन पर क्या होता है बेटा, लॉग जो होता है जीरो के लिए नॉट डिफाइन होता है। तो जब न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आप बाय मेथड्स को अप्लाई करोगे, जब नॉर्मल और बाउंड्री सेट करने का प्रयास करेंगे, लॉग के केस में हम जीरो से स्टार्ट ना करके 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉग जीरो नॉट डिफाइन होता है और निगेटिव नंबर्स भी नॉट डिफाइन होते हैं। आई थिंक इज दैट कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ से फिर से आपको क्या करना, सिंपली शिफ्ट के साथ जाना है, मोड में जाना है, और फिर 3 दबा करके इसको क्लियर कर लेना है, ख़त्म कहानी। अब आपको दूसरा करना है एक्स लॉग एक्स माइनस 2। तो देखिए अल्फा, फिर एक्स लिखा, फिर हमको अब एलन लिखना है, तो एलन लिख लेंगे। ठीक, बट बेस ई है इसलिए एलन यूज किया। अब हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो फिर अल्फा और फिर से एक्स आ गया। ठीक, माइनस क्या चाहिए हमको, माइनस चाहिए 2, तो माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल यहाँ से 2। इक्वल टू का सिंबल लगाना है, शिफ्ट के साथ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, फिर 0। अब फिर शिफ्ट के साथ KLC, और फिर शिफ्ट के साथ फिर सॉल्व बटन्स। अब यू गेट द आंसर्स, बेसिक। देखिए इस पॉइंट का आंसर आ गया 2.3457, मतलब 2.34 ये वैल्यूज इसकी हो जाएगी इस क्वेश्चंस की। तो आई थिंक ये टोटल जो सिस्टम हमने यहाँ पर प्रयास किया आपको समझाने का, कि अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को हम KLC में कैसे सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को आपको समझने में आई थिंक आप इस वीडियो से टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था जिसको कि हमने समझाने का प्रयास आपके लिए किया है। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, खासकर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अनदर कोई टॉपिक्स होगा जैसे इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वाले भी टॉपिक्स होते हैं, अगर उस टाइप के वीडियोज़ भी अगर आपको चाहिए, आंसर चाहिए, तो हम इस पर प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएशन का कैसे यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर्स में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिंबल होता है। देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, दोनों सिंबल्स हैं। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम कैलकुलेटर में कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर हम फाइंड करने का निकालने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे। KLC से यूज करके और कोई कैलकुलेशन निकालने के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।